पहला लफ्ज़ अल्लाह तबारक व ताला का, कद अफलह अल मुमिनून। आप उंगलियों पर गिनेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जो अगर एक मुसलमान में रही तो उसके लिए दो बड़ी बातें कही गई। पहले यह कहा गया कि यकीनन कामयाब है वो मोमिन, और आखिर में यह कहा गया 11वीं आयत के अंदर, अल्लज़ीन यरिसून अल फिरदौस हुम फीहा खालिदून, ये लोग हैं जो वारिस होंगे जन्नतुल फिरदौस के और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ऐसा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सी आदतें हैं, मैं आपके सामने गिनाता हूं, आप उंगलियों पर गिनते जाएं। पहली चीज कुरान कहता है, अल्लज़ीन हुम फी सलातिहिम खाशिउन, नंबर वन इसको रखा है कुरान में, वो लोग हैं जिनकी नमाज में खुशू है, नमाज पढ़ते नहीं है, नमाज में खुशू है, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर कहा गया है, वल्लज़ीन हुम अनिल लग़्वि मुअरिदून, जो बेकार बातों में मशगूल नहीं होते हैं, सुभान अल्लाह, लघु बातों से जो दूर रहते हैं। दो, तीसरा यह कहा गया है, वल्लज़ीन हुम लिज़्ज़कात फ़ाइलून, जो ज़कात माशाअल्लाह बराबर अदा करते हैं। चौथा कहा गया है, वल्लज़ीन हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफिज़ून, जो अपने फर्ज की, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। और इसी में अल्लाह पाक ने यह भी कहा चौथे ही के अंदर, इल्ला अला अज़्वाजिहिम अव मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम ग़ैरु मलूमीन, सिवाय अपनी बीवियों के और अपनी लौंडियों के ये मलामत ज़दा नहीं है, ये मलामत ज़दा नहीं। चार बातें आई मोहतरम दोस्तों, पांचवीं बात, फमन इब्तगा वरा ज़ालिका फ़ौलाइका हुमुल आदून, ये चौथी के अंदर ही है, जो बीवियों और लौंडियों को छोड़कर कोई और तरीका तलाश करेगा ये आदमी हद से आगे बढ़ने वाला है, ये आदमी हद से आगे बढ़ने वाला है, हमारे दीन में कोई और तरीका जायज नहीं है। और इस वक्त चूंकि इस्तिलाही तौर पे जो लौंडी कहा जाता है वो मौजूद भी नहीं है, तो सिर्फ बीवी ही हमारे पास अल्लाह तबारक व ताला ने अता फरमाई है। इसे छोड़कर, गौर से सुनना, इसे छोड़कर और कोई तरीका नहीं है। नौजवानों, तुमसे कह रहा हूं, तुमसे कह रहा हूं, कोई तरीका नहीं है, समझ रहे होंगे आप, कोई तरीका नहीं है। सुभान अल्लाह, वल्लज़ीन हुम अला सलातिहिम वल्लज़ीन हुम लिअमानातिहिम वअहदिहिम राउन। पांचवीं बात, अगर जन्नती मुसलमान बनना है, पांचवीं बात, अगर कामयाब मुसलमान बनना है, अल्लाह ने कहा वो लोग जो अमानतों को मुकम्मल करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमें तौफीक अता फरमाए, अमानत किसी के पास रखी जाती है, अमानतों को पूरा करते हैं। पांचवीं और छठी बात, वअहदिहिम राउन, जो वादे उन्होंने किए हैं वो वादों को निभाते हैं। ये जो पांच और छठा जो मसला है, इसमें कमजोरी पाई जाती है, इसमें कमजोरी पाई जाती है। अमानतों को लौटाना ये सही नहीं है हमारे कौम के अंदर, और वादा खिलाफी तो बेतहाशा है। ये दो बातें, पांच और छह। फिर सातवीं बात, फिर दोबारा अल्लाह ने कहा, गौर कीजिएगा, वल्लज़ीन हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून, वो लोग जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। सुभान अल्लाह, पहली बात भी वही है और आखिरी बात भी वही है, सोच के देखिए। छह बातें मुजमल तौर पर अगर मैं कहूं, छह बातें इसके अंदर बयान की गई हैं। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया, जिनके अंदर ये छह बातें पाई जाएंगी, उलाइका हुमुल वारिसून, ये लोग वारिस बनेंगे। किस चीज के वारिस बनेंगे? अल्लज़ीना यरिथून अल फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस के वारिस बनेंगे, उसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाहु अकबर।